सोलन जिला की उप तहसील रामपुर शहर के पंचायत भगोखरी के गांव तुलियामू पारला के 75 वर्षीय सुचा सिंह का परिवार गरीबी के चलते काफी परेशान है। आपको बता दें कि सुचा सिंह के परिवार को साल 2007 में बीपीएल की सूची में डाला गया था। तब से लेकर 12 साल बीत जाने के बावजूद गरीब सुचा सिंह को किसी ने भी आवासीय योजना के तहत नहीं डाला है। परिवार कई सालों से अपने रिश्तेदार के द्वारा दिए गए एक कमरे के मकान में रहने को मजबूर है, जिससे सुचा सिंह, उसका बेटा और बहू के अलावा सुचा सिंह के पोता और पोती एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, इस परिवार के 3 सदस्यों की आंखों की रोशनी भी कम है, जिसके चलते परिवार के सदस्यों को दिहाड़ी लगाने में भी परेशानी होती है। परिवार का गुजर बसर करने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस परिवार व ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई है कि इन्हें किसी आवासीय योजना में डाला जाए, ताकि इन्हें अपना घर मिल सके और कठिनाइयों का सामना कम करना पड़े। जिला सोलन की उप तहसील रामशहर के ग्राम पंचायत बघोगरी के गांव त्यामू पारला में 75 वर्षीय सुचा सिंह का परिवार गरीबी के चलते काफी परेशान है। आपको बता दें कि सुचा सिंह के परिवार को साल 2007 में बीपीएल सूची में डाला गया था और तब से लेकर 12 साल बीत जाने के बावजूद भी गरीब सुचा सिंह को किसी भी आवासीय योजना के तहत नहीं डाला गया है। परिवार कई सालों से अपने रिश्तेदार द्वारा दिए गए कमरे में रहने के लिए मजबूर है, जिसमें सुचा सिंह, उसका बेटा बहू के अलावा सुचा सिंह के पोता पोती एक छोटे से कमरे में रहते हैं। इतना ही नहीं, इस परिवार के 3 सदस्यों की आंखों की रोशनी भी कम है, जिसके चलते परिवार के सदस्यों को दिहाड़ी लगाने में भी परेशानी होती है। पीड़ित परिवार ने सरकार से गुहार लगाई है कि इन्हें किसी आवासीय योजना में डाला जाए, ताकि अपना आवास मिल सके और कठिनाइयों से मुक्ति मिल पाए। सुचा सिंह ने बताया कि काफी समय से आवासीय योजना का लाभ नहीं मिला है, जिस कारण एक कमरे में ही पूरा परिवार जीवन बसर करने के लिए मजबूर हो गया है। अच्छा, मैं सुवासी का सुचा सिंह नाव है। बाकी मेरे को कोई राजनीतिक से निंदी कोई नहीं। अरे इनका ये बेचारे को इसी अखी बिंदी था, इन दो अखी ऑपरेशन करवाया हुआ, वो लड़की उसका भी ये बना हुआ डॉक्टर का दिखा लिया हुआ। बस ऐसा है जी, बस बच्चे साथ है इसके। बाकी इसमें स्कीम आज दिन तक मेरे को मकान की दी नहीं। बोलते रहते हैं पढ़ी हुई है, एक बोलते हैं 2 साल प्रार पढ़ी हुई, 2 साल हो गए ये पढ़ी पीछे कभी पढ़ी हुई पहले। सुचा सिंह की बहू रचना ने बताया कि एक ही कमरे में उनके परिवार के 5 लोग रहते हैं, जिसमें से 3 लोगों के आंखों की रोशनी भी कम है। और एक कमरा है हमारा, जिसमें हम 5 लोग रहते हैं और आंखों में सभी को प्रॉब्लम है, ससुर जी को भी, मुझको भी और मेरे घर वाले को भी। और कंडीशन हमारी इतनी है कि मतलब कभी कभी दिहाड़ी भी कमी लगती है और आमदनी भी कमी, बहुत कमी ना को मतलब आंखों में दिक्कत हो जाती है। और कई बार घर वाले दिहाड़ी लगाने जाता है, उनको वो काम ज़्यादा नहीं कर सकते। और इसके बावजूद मैं यही सोचती हूँ कि हमारे को घर की स्कीम मिल जाए और मैं अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा सकूँ। वहीं स्थानीय निवासी जसवंत का कहना है कि इस परिवार के बारे में ना तो पंचायत सुध ले रही है और ना ही सरपंच इस बारे में कोई काम कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता की जाए। मेरा नाम जसवंत सिंह, त्यामू पारला से बोल रहा हूँ मैं। सर, एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे यहाँ चाचा जी सुचा राम जी और इनके बेटे, ये बहुत गरीब है, ना इनके पास रहने के लिए जगह है ना मकान है। इनको पंचायत ने 35 साल हो गए, इनको पंचायत को जाते हो पर इन्होंने कोई स्कीम दी आज तक इनको, और इनकी कोई सुनता नहीं है। इनके पास रहने के लिए बेचारे बच्चे वैसे रहते, बाहर खाना बाहर बनाते, इनकी कोई नहीं सुन रहा, पंच नहीं सुन रहा, कोई प्रधान नहीं सुन रहा इनकी बात। मजदूरी करते आंखों से कम दिखाई पड़ता है, इनके फादर के भी मिसिज, इनके मिसिज कम दिखाई पड़ता आंखों से। अब इनकी कोई सुन रहा है यहाँ, रिक्वेस्ट है इनको स्कीम दो जाए घर की, ताकि ये थोड़ा सा डेवलपमेंट कर सके। रहने के लिए जगह नहीं इनके पास, मकान में रहते दूसरों के मकान में रहते बहुत दिनों से, बहुत समस्या है इनको सर, इसका कोई सलूशन निकाला जाए। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।